आपको नहीं लगता? हाँ भाई, हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया। चलो, आज का टॉपिक है हमारा वर्ब। अब वर्ब बेटा पहले समझ लो, उन्हीं मतलब आप जानते हैं क्रिया होता है। क्रिया का मतलब ये होता है कि कोई सब्जेक्ट कोई भी एक्शन करता है, वो एक्शन ही क्या कहलाता है बेटा? वर्ब कहलाता है। ये दो तीन प्रकार से हम इनको डिवाइड करते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो स्टेटिव वर्ब कहें या एक्शन वर्ब कहें। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे एक्शन वर्ब के बारे में। अब एक्शन वर्ब के जो फॉर्म होती है, नॉर्मली आपसे अगर पूछा जाता है भाई किसी भी वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, आपका जवाब आता है तीन, ठीक है ना। जबकि बेसिकली अगर देखें तो वर्ब की पांच फॉर्म तो होती ही होती है, बाकी का तो आगे पड़ेगी, लेकिन कम से कम आप ये मान के चले कि पांच फॉर्म होती होती है। अगर मैं गो को ही लेकर के चलता हूँ, तो जैसे मैंने माना गो, इस गो में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जब बात की जाएगी तो गो की भी दो फॉर्म होती है। पहली होती है गो और दूसरी होती है गोज। अब हम लोग आपसे ये बोल देते हैं टीचर्स लोग कि भाई ऐसा है फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा दो, जबकि बेटा वो लगाते नहीं है, वो उस वर्ब में इनबिल्ट होती है। समझ रहे हो ना बात को? हम लोग नहीं लगाते उसमें, बल्कि वो ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो जैसा भी वो जन्म लेता है तो वो इनबिल्ट होता है उसमें। ये नहीं है कि भाई किसी में बाद में हाथ छोड़ दिया जाए उसमें, हाई नहीं तो कि दूसरा लगा दिया जाए, लगेगा भी तो वो अलग दिखेगा, लेकिन यहाँ पर दिखने वाली बात नहीं, वो ऑलरेडी लगी होती है। इसमें क्या सिस्टम होता है कि एक में ऐसे ही लगा होगा, दूसरे में नहीं लगा होगा। जिसमें नहीं लगा होता है उसको क्या समझना है हमें, वो प्लूरल के साथ आती है, यानी बहुवचनकर्ता के साथ आती है। और जिसमें लगा हुआ है आप तो ये समझ रहे हो एज फॉर सिंगुलर, यानी ये वर्ब कैसी कहलाएगी बेटा? सिंगुलर कहलाएगी, ठीक है। तो ये आती है एक वचनकर्ता के साथ यूज में, और ये आती है आपकी बहुवचनकर्ता के साथ। अब इसका बाकायदा नाम भी है, नाम क्या है भाई? प्रेजेंट। और दूसरी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में आती है। अब जैसे आपसे ये भी कहा, हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, सिवाय इस टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये कहीं नहीं आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बात समझ में? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में आती है, और उस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसी गो या गोज की जो सेकेंड फॉर्म होती है बेटा, वो होती है मैनी, जिसका बाकायदा नाम होता है पास्ट फॉर्म, ठीक है। पास्ट का मतलब जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसकी बात हो रही है, और ये भी सिर्फ एक ही टेंस में यूज की जाती है पास्ट, और वो है पास्ट इंडेफिनिट। ये तो कहीं दूसरी जगह आपको मिलेगी भी नहीं किसी भी हाल में, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट। आगे बात समझ, आगे बढ़े। अब बात करते हैं B3 की, जिसका नाम होता है बेटा पास्ट पार्टिसिपल। और गो की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होती है गॉन, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगी आपको? ये सभी परफेक्ट में, चाहे कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट का हो यानी हैज़ पास्ट का हो यानी हैड, फ्यूचर का भी हो, ऐसे तो बेसिकली फ्यूचर कोई टेंस होता नहीं है, उसको एक तरह से टेम्परेरी रूप से हमने बना रखा है। तो परफेक्ट कोई सा भी हो, यहाँ जहाँ पर हैज़ या हैव, मतलब हैव की जो फैमिली है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी आ रही है, एज ए हेल्पिंग वर्ब, उस जगह पर मेन वर्ब के रूप में वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी? इसी, ठीक है। दूसरी चीज और कहा सकता है एंड पैसिव वॉइस। दूसरी कौन सी जगह पे आएगा बेटा? पैसिव वॉइस, यानी ये दो जगह पर आपको नॉर्मली मिल जाएगा, कम से कम दो जगह पर तो मिलेगा ही। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं B4 की। B4, अब जैसे गो में ING लगा होता है, हम ही लोग आप लोगों से ये बोलते हैं भाई फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दो, बेटा ये भी पहले की ही तरह ING इनबिल्ट होता है, यानी पहले से ही जुड़ा हुआ होता है उसमें। हम लोग, हम कोई परमात्मा नहीं है या हमने इसकी रचना नहीं की है कि हम लगाएंगे,
ये ऑलरेडी जिन्होंने भी इंग्लिश की रचना की होगी उन्होंने उसको ऑलरेडी पहले से उसमें इन्वेल्ट कर दिया है कि भाई कंटिन्यूस फॉर्म शो करने के लिए कंटिन्यू एक्शन को हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो गो में आईएनजी लग गई वर्ब की चौथी फॉर्म। नाम क्या दिया इसका? इसका नाम है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है भाई, ये कहाँ मिलती है? ये सभी कंटिन्यूस में मिलती है, चाहे वो इजारेम हो, वाज वर्ब हो। और एक बात और बता दूँ, कोई भी कंटिन्यू जो भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं वो एक वर्ड होता है बी ई बी, बी माने होना, ऐसे वो बी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बी की फॉर्म नॉर्मली आपको वहाँ पे मिल जाती है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में जा रहे होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में आपके वाज वर्ब होते हैं, फ्यूचर में अगर चले जाएँ तो विल और सेल के साथ में हम उसका यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाती है बेटा? चौथी फॉर्म, जिसका नाम है बाकायदा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये सभी कंटिन्यूस टेंसेस में मिलती है, जहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेटा वी फाइव की, वर्ब की पांचवी फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो वर्ब होती है उससे पहले बेटा टू लगा होता है, ठीक है भाई, यानी इसमें आपको टू को, यानी जो वर्ब है उससे पहले आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। तो इसको पांचवी फॉर्म बोला जाता है, वैसे इसको इनफाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। ये कहाँ होता है यूज? ये बेटा स्पेशल केसेस में आती है, और केसेस वास्तव में ही बड़े मज़ेदार होते हैं। केसेस कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं स्कूल जाने वाला हूँ, ये तो किसी टेंस में नहीं पढ़ा जाता कि मैं स्कूल जाने वाला हूँ, तो हम क्या करते हैं? इज आर एम के साथ में इसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, आई एम टू गो टू स्कूल। दूसरी चीज, सिचुएशन आपके घर पे होती रहती होगी नॉर्मली कि जैसे पापा जी, कोई गेस्ट आता है, पापा जी बोलते हैं साहब नेक भी ना पढ़े जाता, परेशान कर रखा है। अगर आप पढ़ते होंगे तो आप धीरे से बोलेंगे पापा पढ़ता तो हूँ, पढ़ता तो हूँ। इस कंडीशन में हम डू डज के साथ में किसका इस्तेमाल करेंगे? इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है भाई, पांचवी फॉर्म। अब एक कंडीशन और बनती है मजबूरी व्यक्त करने वाले, मन तो आप लोगों का किसी का करता नहीं स्कूल आने का, लेकिन घर वालों की वजह से हम बोलते हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मन नहीं है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। उस कंडीशन में आप हैज के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं, इनफाइनाइट वर्ब का टू प्लस वर्ब, आई हैव टू गो टू स्कूल। पांचवा फॉर्म आ गया बेटा समझ में? ये तो थी पांच फॉर्म, बेटा ये तो फॉर्म है। फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप। अब ये ऐसे ही मान के चलो जैसे आप ही लोग हैं, या मैं अपने ऊपर ही रख के कहता हूँ, जैसे मैं, मेरा नाम अजीत सिंह है, लेकिन जब मैं विद्यालय में आता हूँ तो टीचर, यहाँ मेरा रूप बदल गया। यहाँ से जब मैं घर गया, अपने माता पिता के पास पहुँचा, उनके सामने मैं बेटा, बहनों के साथ में रहता हूँ तो उनका भाई, मित्रों के साथ में रहता हूँ तो ये तो फॉर्म है, यानी यही रूप बदलता ही रहती है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान विष्णु को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने भी अलग अलग अवतार लिए, भगवान श्री कृष्ण का लिया, श्री राम जी का लिया, नरसिंह देव जी का लिया, तो ये सभी उनके अवतार, अवतार का ही दूसरा मतलब रूप, आपको पता होगा खूब अच्छे से मतलब क्या होता है रूप, और उसी रूप, लेकिन ये रूप है किसके? ये तो फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये तो फॉर्म हो गई भैया, है किसके? यानी ये रूप है किसके? अब बात आती है उसकी, तो ये जो पांचों हैं, ये जिसके रूप हैं उसे हम बोलते हैं बेटा वी आर, यानी ये एक वर्ड है जिस गो, गो के पांच फॉर्म है कि नहीं? तो ये गो क्या कहलाएगी? वी आर। वी आर का मतलब होता है बेटा रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्या कहलाएगा ये? रूट फॉर्म। ये कहलाएगा बेटा रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। दूसरे शब्दों में हम इसे बेस फॉर्म भी बोलते हैं, यानी आधार, मुख्य वर्ब है।
तो ये थोड़ा सा इंट्रो था आपका वर्ब के बारे में। बाकी का ये मैंने क्यों कराया है ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये पांच तरीके भी क्यों बताई है। क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस कराएंगे, नॉर्मली मैं आपको बता दूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दो पीरियड का होता है मेरा, क्योंकि एक पीरियड थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स उसमें हो सकता है तीन पीरियड भी लग जाए, नहीं तो नॉर्मली वो एक ही पीरियड के होते हैं। और ये बोलने में थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता भी होगा आप लोगों को। अब अगली बार जब हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको बताएंगे कि कैसे एक ही बार में पूरा का पूरा पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस जो होता है वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू।